जय हिंद साथियों। तो साथियों आपका सी टेट का जो एग्जाम 18 जनवरी को हुआ है तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे, जितने प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रश्न लगभग 15 प्रश्न है, तो आपको भी ये 15 प्रश्न हमारे साथ सोल्व करने हैं और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। और जिन साथियों को इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथ शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न ये है, इनमें से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि का हमें नाम बताना है, थायराइड, पिट्यूटरी, अधिब्रक, यहां पर रीड रहे, यहां पर होता है अधिब्रक में, यहां पर नहीं होता है, अधिब्रक और अग्नाशय। तो जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने, स्कूल बैग में चौड़े कंधे की पट्टियां क्यों होती हैं? आपने स्कूल बैग देखा होगा या कोई भी नॉर्मल बैग देखा होगा जिसको हम पिट्ठू बैग कहते हैं, कमर पर टांगने वाला बैग, तो उसमें जो पट्टियां होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, वो चौड़ी चौड़ी होती हैं। तो यह चौड़ी क्यों होती है? दबाव बढ़ाने के लिए, दबाव कम करने के लिए, एक फैशन प्रवृत्ति के रूप में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमें सिर्फ क्वेश्चंस प्राप्त होते हैं, ऑप्शंस पे आप ना जाएं, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल आपको एज इट इज मिलेंगे। कुछ प्रश्नों को ऑप्शंस आपको एज इट इज मिल सकते हैं जैसे आपके एग्जाम में आए थे, तो ऑप्शंस हमें अपनी तरफ से बनाने होते हैं। अब जो भी क्वेश्चन भेजता है वो सिर्फ एक ये क्वेश्चन भेज देता है और उसका सही आंसर भेज देता है, तो बाकी क्वेश्चन हम अपने हिसाब से बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, दबाव कम करने के लिए चौड़ी पट्टियां बनाई जाती हैं जिससे कि हमारे कंधों पर जो दबाव है वो कम पड़े। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गिरने वाली वस्तु पर वायु घर्षण कार्य करता है। अब वस्तु कोई ऊपर से नीचे गिर रही है तो उस पर जो वायु घर्षण है वो किस तरफ कार्य करेगा, उसकी दिशा क्या होगी? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होगी, गुरुत्वाकर्षण के लंबवत होगी, शून्य होगी, या फिर गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ही होगी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा साथियों? उस वायु घर्षण की दिशा होगी गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, यानी कि ऊपर से नीचे ही होगी। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब साथियों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन क्या है, क्वेश्चनों में कंफ्यूजन है कि कुछ साथियों ने पेपर 2 के भी क्वेश्चन हमें भेज दिए, साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से संबंधित पेपर 2 के क्वेश्चन भी भेज दिए हैं। तो अगर जो शिफ्ट 1 वाले हैं उनको लगेगी कोई क्वेश्चन आपके शिफ्ट में नहीं आया हुआ है शिफ्ट 1 वालों के, तो वो समझ लेना कि ये पेपर 2 से आया हुआ है सेकंड शिफ्ट का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कैलिडोस्कोप समतल दर्पणों के रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो कैलिडोस्कोप होता है ये समतल दर्पणों का जो है कौन से सिद्धांत के सिद्धांत पर आधारित है? एकल प्रतिबिंब के सिद्धांत पर, एकाधिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत पर, या फिर फैलाव के सिद्धांत पर? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? ये जो साथियों आधारित है ये है एकाधिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फिनोफ्थेलिन एक सिंथेटिक सूचक है, फिनोफ्थेलिन जो है एक इंडिकेटर है, और इसके रंग क्रम से अम्लीय और क्षारीय विलयन में क्या क्या होते हैं यह हमें बताना है कि फिनोफ्थेलिन जो इंडिकेटर है यह अम्लीय विलयन में, एसिडिक विलयन में कैसा रंग देगा और बेसिक विलयन में कैसा रंग देगा, बेसिक सॉल्यूशन में दोनों में रंग बताने हैं इसके, लाल नीला, नीला लाल, गुलाबी और रंगहीन, या फिर रंगहीन और गुलाबी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? वैसे साथियों अगर फिनोफ्थेलिन की बात करें तो फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर होता है, ये रंगहीन होता है, इसमें कोई भी रंग नहीं होता फिनोफ्थेलिन में, लेकिन जब हम इसे एसिडिक मीडियम में डालते हैं, एसिडिक में डालते हैं तो भी ये रंगहीन ही रहता है, एसिडिक में डालेंगे तो भी ये रंगहीन ही रहेगा, लेकिन जैसे हम इस इंडिकेटर को बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो ये हमारा गुलाबी रंग का हो जाएगा, गुलाबी रंग देगा। तो पहले नंबर पर अम्लीय है, दूसरे पर क्षारीय है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, रंगहीन और गुलाबी, ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो इस बार आपको बाघ से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से बाघ के बारे में दिए गए विवरण में से गलत विवरण को चुनिए, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं, या बाघ का गुर्राना 5 किलोमीटर से दूर तक सुना जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो गलत विवरण है वो हमें बताना है। तो साथियों बाघ की जो मूछें होती हैं बहुत ही तेज होती हैं, ये हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं, कि कोई कंपन या तो हवा से हुआ है या फिर किसी कोई भी वहां पर जीव जंतु उसने किया है। दूसरा, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, बिल्कुल सही बात है, 6 गुना बेहतर देख सकता है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से वह अपना इलाका मार्क करते हैं। चौथा देखेंगे, बाघ का गुर्राना 5 किलोमीटर से दूर तक सुना जा सकता है, यह हमारा गलत हो जाएगा, बाघ का गुर्राना 5 किलोमीटर से दूर तक नहीं सुना जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सही मिलान कीजिए,
तो इस तरह का कोई क्वेश्चन था कि एक तरफ आपके रोग दे रखे थे और दूसरी तरफ जिससे वो होते हैं वो दे रखा था। तो देखेंगे क्षय रोग किससे होता है, दाद, पीलिया या फिर मलेरिया किससे होता है, ये सब। तो हमें देखो जो पता होता है पहले उसको मिलान कर लेते हैं। हमें पता है कि जो हमारा दाद होता है ये फंगाई से होता है, फंगस से होता है, और फंगस को कहते हैं कवक। तो दाद जो है कवक से मिला दिया हमने पहले। फिर देखेंगे हम मलेरिया, मलेरिया का हमें पता है कि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ से मिला दिया। इसके बाद पीलिया और क्षय रोग बचता है, तो पीलिया वायरस से होता है, विषाणु से मिला दिया, और क्षय रोग होता है हमारा जीवाणु से। तो इस तरीके का आपका मिलान हो गया है। तो आपके ऑप्शन में जो भी सही ऑप्शन हो आप टिक लगा लेना इसको देखकर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न पौधे में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? अमरबेल पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा या फिर घटपर्णी पौधा। घटपर्णी होगा, यहाँ पर घटपर्णी होगा, ये घटपर्णी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों वह पौधा घटपर्णी पौधा है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में घटपर्णी पौधे से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया है। अब साथियों इस पौधे के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में ये पूछने के लिए मिल जाए। घटबंडी पौधा हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। हमारे देश में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में यह पौधा पाया जाता है। और इसकी संरचना इस तरीके से होती है, कुछ हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके फोटो भी दिखाए थे घटबंडी पौधे के। सुराही के आकार का होता है और ऊपर से एक ढक्कन से ढका हुआ होता है पत्ते का। अब यह ध्वनि नहीं निकालता, ध्यान रखना इस बात को, एक क्वेश्चन आ जाए कि क्या यह उच्च तारत की ध्वनि निकालता है इनको फंसाने के लिए कीड़ों को, नहीं ध्वनि नहीं निकालता, एक सुगंधित रस निकालता है, सुगंधित रस निकालता है जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं और ऊपर से यह ढक्कन बंद हो जाता है, उसके बाद उसको पचा लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, घटपर्णी पौधा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक घोल हल्दी सूचक के रंग को पीले से लाल में बदल देता है, तो घोल क्या है, घोल बताना, घोल की प्रवृत्ति कैसी होगी, क्षारीय, अम्लीय, तटस्थ या फिर या तो तटस्थ या फिर अम्लीय। तो साथियों हल्दी को एक इंडिकेटर के रूप में भी यूज किया जाता है, हल्दी को जो है हमारी ये इंडिकेटर के रूप में भी यूज की जाती है। हल्दी पीले रंग की होती है, अब ऐसा कौन सा घोल होगा जो इस पीले रंग को लाल रंग में बदल देता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा, वो घोल होगा आपका अम्लीय घोल, ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आप घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी ले या हल्दी से कोई भी कपड़ा रंगा हुआ हो, वो कपड़ा हो उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें, हम नींबू डाल दें तो वो कपड़ा कैसा हो जाएगा, जहां पर हल्दी लगी है वो आपका लाल रंग का हो जाएगा। तो अम्लीय विलयन में जो घोल होता है हमारा हल्दी का, हल्दी पीले रंग से लाल रंग की हो जाती है। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, जिस बच्चे ने हमें यह क्वेश्चन भेजा था उसने उस क्वेश्चन के नीचे पेपर लिखा हुआ था खाली, इस तरीके से पेपर और डैश लगाया हुआ था, यहाँ पर पेपर 1 या पेपर 2 लिखना वो भूल गया था। तो हमें नहीं पता कि आपका पेपर 1 में आया हुआ या फिर पेपर 2 में आया है। तो जो भी साथी पेपर 1 दे के आए हैं, अगर उनको ये क्वेश्चन मिला हो तो कमेंट में पेपर 1 जरूर लिख दे कि क्वेश्चन नंबर 9 आपका पेपर 1 में आया है। और जो साथी पेपर 2 देकर आए हैं वो साथी कमेंट कर दें कि अगर आपका उनका क्वेश्चन ये पेपर 2 में आया हुआ, तो वो साथी पेपर 2 कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर 9 आपका पेपर 2 में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, अग्नाशय का कौन सा भाग इंसुलिन का उत्पादन और स्राव करता है? ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, लैंगरहैंस के आइलेट्स या फिर हेनले का लूप। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, अग्नाशय का जो भाग है जो इंसुलिन का उत्पादन करता है और स्राव करता है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा लैंगरहैंस के आइलेट्स, ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी असाधारण रूप से मेधावी है, मतलब पढ़ने में बहुत तेज है, तो आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे, बाकी कक्षा के साथ ही पढ़ाएंगे, समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग करके पढ़ाएंगे या फिर उच्च कक्षाओं के साथ पढ़ाएंगे कि उनको अपने से ज्यादा जो ऊपर की कक्षा है उनके साथ बिठा दो, उनके साथ पढ़ाओ, या फिर जब भी चाहते हैं तब पढ़ाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों कि उनको समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग करके पढ़ाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गोलकुंडा किला किसके दौरान बनवाया गया था, किसके शासनकाल के दौरान बनवाया गया था? विजयनगर साम्राज्य के दौरान, कुतुबशाही वंश के दौरान, सातवाहन वंश के दौरान या फिर होयसला राजवंश के दौरान? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा साथियों, गोलकुंडा का जो किला बनवाया गया था ये कुतुबशाही वंश के दौरान बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल का एक समूह है? मूंगफली, तरबूज, ककड़ी, सरसों, चावल, मक्का या फिर बाजरा, गेहूं? तो हमें बताना है कि ये जो समूह दे रखे हैं 4, इनमें से किन दोनों में खरीफ की फसल है? तो अगर यहाँ पर बात करें तरबूज की, तरबूज हमारी जायद की फसल है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा एलिमिनेट हो जाता है। दूसरे नंबर पर बात करें ककड़ी और सरसों की, तो ककड़ी भी हमारी जायद की फसल आ जाएगी, ककड़ी हमारी जायद की फसल हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरे नंबर पर बात करें चावल और मक्का, तो ये दोनों फसलें खरीफ की फसल है, चावल और मक्का, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।
और बाजरा और गेहूं की बात करते हैं, उसमें गेहूं में रबी की फसल है, गेहूं एक रबी की फसल में आती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कुछ जीव रात में सफेद और काले रंग में देख सकते हैं, तो नीचे दिए गए विवरण में से सही क्रम को हमें चुनना है कि इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी के सभी रात में सफेद और काले रंग में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, उल्लू, चमगादड़, मगरमच्छ, बाघ, कुत्ता, हाथी, कबूतर, गाय, चमगादड़, या फिर हाथी, ऊंट और घोड़ा। तो घोड़ा, ऊंट, हाथी, ये तीनों ही रात में नहीं देख सकते हैं। कबूतर, गाय, चमगादड़ की बात करें, चमगादड़ देख सकते हैं लेकिन कबूतर और गाय रात में नहीं देख सकते हैं। बाघ, कुत्ता और हाथी की बात करें तो कुत्ता और हाथी रात में नहीं देख सकते हैं। एक बचता है उल्लू, चमगादड़ और मगरमच्छ, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों, उल्लू, चमगादड़ और मगरमच्छ, रात में सफेद और काले रंग में देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे जंतुओं के सोने का क्रम दिया गया है, निम्न में से सही चुनिए। गाय 4 घंटे सोती है, जिराफ 6 घंटे, अजगर 12 घंटे, या फिर बिल्ली 9 घंटे सोती है। तो आपको लग रहा होगा कि यह क्वेश्चन हमें किस प्रकार सोल्व करना है, तो अभी यह क्वेश्चन का हमारा आधा पार्ट है, आधे पार्ट में हमें इमेज दिखाई गई है, उस इमेज को देखकर हम अपना आंसर बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो इमेज देख लेते हैं, तो आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके की इमेज थी कि कितना सोई लिखा हुआ है और यहां पर यह चित्र बना रखा है इस तरीके से। अब यहां पर देखेंगे, इस वाले जो गोल चक्कर दे रखा है इसमें कितने खाने हैं, गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो एक जो पूरा गोल चक्कर है इसमें 12 खाने बनाए गए हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक खाना कितने के बराबर हो गया, एक खाना हो गया हमारा 2 घंटे के बराबर, यानी कि एक खाना 2 घंटे को प्रदर्शित कर रहा है। और इसमें कितने खानों में शेड दिया हुआ, 2 खानों में दिया हुआ, यानी कि कितने घंटे सोएगी ये गाय, गाय सोएगी 4 घंटे, एक खाना 2 के बराबर है, 2 खाने 4 के बराबर। अजगर की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 खाने इसके सेट दिए हुए हैं, तो 9 दूनी 18, 2 से गुणा करते रहेंगे, गुणा दो कर देंगे यहां भी गुणा 2 कर देंगे, इस तरीके से ये 18 घंटे हैं। जिराफ की बात करें तो 1 खाना है यानी कि 2 घंटे, और बिल्ली की बात करें हम तो आधा दे रखा, 12 घंटे, 12 खाने दे रखे, 6 खाने दे रखे, 6 की 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 घंटे आ जाएगा। तो गाय 4 घंटे आ गया, अजगर हमारा 18 घंटे आ गया, इसके बाद जिराफ हमारा 2 घंटे आ गया, और बिल्ली हमारी 12 घंटे आ गई। तो ये सभी चीजें ध्यान रखना है, मुझे ऑप्शन दिया है तो गाय आपका 4 घंटे दे रखा था, तो गाय वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 था। दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं, तो जो हमने इमेज से निकाला है वो कुछ इस प्रकार हमें डाटा मिला है, गाय के लिए 4 घंटे मिला है, जिराफ के लिए 2 घंटे मिला है, अजगर के लिए मिला है हमें 9 दूनी 18 घंटे, और बिल्ली के लिए मिला हमें लगभग 12 घंटे। तो ये हमें आंसर मिले हैं, तो जिराफ गलत हो जाएगा, अजगर गलत हो जाएगा, और बिल्ली गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, गाय 4 घंटे। तो इमेज को देखकर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 15 प्रश्न जो आपके 18 जनवरी को सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो जो भी साथी अंत तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।